इसलिए नंगे जाने के लिए बोल रहे हैं, अटक रहे हैं वहाँ पे बहुत ही। स्लाइड हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा। सचिन कहाँ है? सचिन कहाँ है? निकल चले। मजा आ गया। अभी सचिन दे जो आ रहे तो उनका हम वेट कर रहे हैं। क्यों आया रमजा? अरे आ गए क्या? अरे 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 धक्का पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे किधर चल पड़े? आ गए क्या? अभी तो नहीं पहुंचे। पलट पलट के देखो। अरे अरे उधर चले गए। ये लोग भी फाइनली आ गए और अच्छे शूट नहीं हो पाया। जिया को मैं घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों आगे पहुंच चुके हैं और मैं घसीटते हुए आगे लेके जा रहा हूँ। अरे नीचे किसे कुछ गिरा हुआ था ऐसा लगा मेरे को। नीचे कुछ तो भी टच हुआ। चश्मा है। किसी का चश्मा है। किसी का चश्मा है वहाँ पे। गिर मत जाना। रुको। आ जाओ अब। लेट गई हूँ मैं तो। रुको। एक बार होगा दूसरा दोबारा कौन आएगा इधर? दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं बचेगी। आ जाओ। अभी मैं और सचिन तो वहां से आए, वो वाली राइड से बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिया भी नीचे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि जिया गई नहीं। अभी हम लोग एक को गुफा दिखी एक गुफा। तो इस गुफा में हम लोग एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं। चलो चल के देखते गुफा में है क्या। अरे 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 डर लग रहा है। गुफा में क्या है? अरे नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है। क्या है ये? कैसा गुफा है यार? अरे अरे बाहर आ गए। डर वाला आ गए। तुमको वो लेके आना था क्या? बिना इसके वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बहुत खतरनाक है। मैं नहीं जाऊँगा। सचिन जाएगा। वो बहुत खेल रहे थे पिछली बार आई है। हाँ ये 90 डिग्री थोड़ी है। नहीं, ये नहीं नहीं मैं तो नहीं जा रहा इसमें। इतना हो गया। ओए आता ना सचिन। जा रहा है सचिन। एलिफेंट राइड इतना अच्छा है कि हमको दिन भर भी बोला ना हम दोनों दिन भर उसमें घूम सकते हैं। बाकी सब में डर लगता है। ये वाला भी है, इसमें सचिन अकेला कर रहा है। तेजू करेगी नहीं करेगी मालूम नहीं। हम दोनों नीचे जा रहे हैं। हाँ हम दोनों नीचे आ गए और उनका वीडियो बनाएंगे। ये ओपन वाला है यार, कोई बच्चों वाला है। लेकिन
बच्चों वाले मैप पर क्या करेंगे, ये एक ओपन वाला दिखा हमारे लायक का। बहुत डर लगता है। बीच में कुछ पता नहीं चला क्या हुआ मेरे साथ। नहीं, वो देख रहा ऊपर से, वो देखो, वो नहीं डरता है। अरे वो उसमें आ रहा, 90 डिग्री मार रहा है वो। 90 डिग्री मार रहा, देखो मैं शूट करता हूँ। शूट यार 90 डिग्री मार रहा है वो। सचिन ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया। हट जा हट जा, वहां से कोई आधा होगा ना, हट जा। पता है इसमें पैर में लगता है, इसलिए मैंने जा रही हूँ। हाँ पैर में लगा, ये जिग-जैग आ रहा है। ये लो वाला, ये लो एकदम बीमार, कोई भी कर सकता है। हाँ ये लो वाला करना है। नहीं नहीं, पूरा पैर में लग गया मेरे, पैर में लग गया। हाँ सुनो रीजन, अभी हमें और निकल देखा, एकदम एकदम इजी बच्चों वाला। अलग अलग कार्टून है, ब्लैक डायमंड। चलो चलो ब्लैक डायमंड चलते हैं। मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्टली नीचे जाके इन लोगों का वीडियो बनाता हूँ। मैं वहाँ से उतर के वापस आ गया, मेरे को रिस्क नहीं लेना है। ऐसी ऐसी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही है, नहीं क्या बताओ। ये देखो आ गया, आ गया। कुछ आई नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये लोग कहाँ है, ये लोग कहाँ है? लाइट वाइट भी चलती है क्या? हाँ बहुत अंधेरा है, बहुत ईजी। ये तेजू की आवाज़ है, इतनी देर से आवाज़ आ रही है, ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं पता है, मैं सड़क सड़क के आई हूँ और बहुत ज्यादा जोर से ज्यादा अंधेरा था पूरा। अच्छा क्या अटक गया था? अटक गया दो तीन जगह, और दो तीन जगह बहुत जोर से अंधेरे में जा रहा था और अटक गया हमारा। हाँ फिर मैं धक्का मारा, मैं डर गई, सफोकेशन लगा, अंधेरा है, मैं कैसे निकलूंगी बाहर। मजा आया। हाँ आपको जाना चाहिए, इसलिए नंगी जाने के लिए बोल रहे हैं, अटक रहे वहाँ पे। बहुत ही जी बहन, तुम नंगे जा पाओगे ना? नंगे जा पाओगे ना तुम? जा रहे तुम बहन, जान आवाज उसका ही है। उनके अलावा और कोई नहीं होगा। आ जा। स्लाइड हुआ कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। सचिन कहाँ है? सचिन कहाँ है? आएगा अभी। आ गया। डूब गया था, बहुत खतरनाक था। हाँ पूरा नाक। लेकिन अच्छा था ना ये? कंपैरिजन। हाँ। अरे यार वो जब क्या हुआ था? जब वो लाइट वाइट आने लगी थी तो उसमें ज्यादा डर लग रहा था। हाँ, चलो ना हाँ, लाइट आने लगी थी उसके, फिर एक में बिल्कुल अंधेरा आ गया। हाँ? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था नरक में जा रहा हूँ, मेरे दुनिया के कोई पाप थे और अब मैं बस। और मेरे को भी लगा मैं मर गई हूँ और अंधेरे में कहीं चली गई हूँ। मेरे को भी ऐसे लग रहा था। मैं गाने गाने देख के, राम नहीं बिगाड़ेगा उसको, कोई नहीं बिगाड़ेगा, भूत तेरी मार। वो ये गाली दे रहा था, भूत को गाली देते थे, भाग रहा था, हराम ही है सही। भूतों को बताओ, भूतों तक को नहीं छोड़ रहा है ये। अजीबोगरीब आ रहे थे। अभी कौन से पे जाना है? यहाँ पे जिया इतनी डर रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी तेजू और सचिन भी आए हुए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये देखो गिर रहा है। ये देखो कितना सही है, यहाँ पे बैठ के फुल रिलैक्स हो रहा है, फुल
तो यहाँ पे हम लोगों ने खाने का ऑर्डर कर दिए हैं, एक दो मसाला डोसा सचिन वो तेजू और जिया के लिए, मैं इडली सांभर और सचिन खा रहा है मसाला डोसा, नहीं क्या इडली सांभर नहीं, अरे यार मैं पागल हो गया, ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गया, छोले भटूरे मसाला डोसा, मसाला डोसा इडली चाय 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 लेने आना होगा, ये पानी बोतल लिए ही नहीं, कब लेने आएंगे दिखेगा कुछ, तो नंबर नंबर है क्या उसमें, नंबर नंबर दिखाई क्या बिल में, नंबर तो नहीं, हमको लेने जाना होगा खुद से, ये हमारा आ चुका है खाना, इडली डोसा डोसा चाय और चाय, मशीन वाली चाय लेकिन ठीक है, अच्छी है अच्छी है अच्छी है। फिलहाल हम लोग लेजी पुल में सवार है और ये हमारी आखिरी राइड होने वाली है, अप्रॉक्स 6 बजने वाले हैं और हमारा सब घूम घाम के कंप्लीट हो गया, एक यही बाकी था जो नहीं घूमे थे, इसलिए सोचे कि इसको घूम लेते, देखो हाँ ये ऐसा रहता है एकदम लेजी की तरह, चलते रहो लेट जाओ चलते रहो चलते रहो, मज़ा आया आज, और ये फाइनली हमारा दी एंड, इस तरफ अरे अरे इस तरफ आ जाओ, तो मैं रेडी होके बाहर निकल चुका हूँ और सारे लोग इंतज़ार कर रहा हूँ, सबका बैग लटका के बैग पकड़ के वेट कर रहा हूँ कोई तो आए, लेकिन मैं खुद इतनी लेट निकला और अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है, क्या करूँ, वैसे काफ़ी जी आ गई, लेकिन जी अकेली कैसे आई, तेजू कहाँ है, किसको ढूंढ रहे हो, ये तो मेरा पर्स कहाँ है, ये तेजू का पर्स भी चाहिए, अरे मेरा पर्स लटका के घूम रहे हो, तो क्या कर रहे हो, इसका पर्स लटका के घूम रहा था, देखो आ रही हूँ करने, क्या करोगी यार, कुछ है इसमें क्या करोगी यार, मोबाइल वोबाइल सब मेरे पास है, उसका मोबाइल उसी में, लौटते वक्त इतनी हालत खराब हो गई थी ना कि सच बता रहा हूँ बैठने की भी हालत नहीं थी, बस ऐसा लग रहा था कि कहीं पे भी बिस्तर मिल जाए और पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो बैठना भी नसीब नहीं हुआ, खड़े खड़े लगभग आधे घंटे का सफर तय करके हम फेरी से दूसरी बार पहुँचे समुद्र के, और फिर फाइनली हम लोगों ने अपनी ट्रेन वेन पकड़े हैं और फिर अपने घर पहुँचे भाई, तो नया दिन निकल चुका है दोस्तों, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा लेकिन बहुत ही थकावट भरा रहा, इसलिए मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, आते से ही सो गया, जिया ने थोड़ा सा कंटिन्यू करी थी घर पे आके, वो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, मैंने सोचा कि सुबह उठ के आप लोगों को बाय बाय बोल दूंगा, तो इसी बात पे अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।